हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ करेले की ये मज़ेदार सी रेसिपी वैसे तो करेला खाने में कड़वी लगती है बट जो मेथड आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ तो इसमें करेली बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनने वाली और जो बच्चे बड़े हैं ना सभी इसे बहुत ही चाव से खाने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ़ के जी करेले ले लिए हैं तो करेले को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करना है अब हम करेले की छोटी छोटी पीसेस करेंगे और बहुत लोग क्या करते हैं करेले की जो ऊपरी परत है ना उसे हटा देते हैं बट हम इसे बिल्कुल भी रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ही विटामिन पाया जाता है तो सबसे पहले हम इसके जो टॉप के पोर्शन है उसे काट के अलग कर देंगे और उसके बाद इसे हम पतले पतले सर्कुलर शेप में काट लेंगे तो हमने इस तरह से सारे करेले को काट कर तैयार कर लिया है अब हम इस करेले में एक छोटी चम्मच नमक डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसे हमें पंद्रह से बीस मिनट के लिए ढक के इसी तरह से छोड़ देना है जिससे करेले का जो करवापन है वो नमक के साथ बाहर आ जाएगा तो करीबन बीस मिनट हमारे हो चुके हैं तो हम ये देखिए करेले जो है ना कितना पानी रिलीज़ हो गया करेले में हमारा तो इसमें जितना भी पानी हमारा रिलीज़ हुआ है ना उसे हम करेले से अभी बाहर कर लेंगे तो इस तरह से हम करेले में जो हमारा पानी जो रिलीज़ हुआ है ना इसे हमें अलग कर लेंगे तो अब हम इस करेले में पानी डालकर हम इस करेले को अच्छे से वाश करेंगे अच्छे से धोएंगे। तो इसे हाथों के सहायता से इस तरह से मसल मसल के अच्छे से वॉश कर लेना है अच्छे से धो लेना है जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा नमक होगा वो पानी के साथ बाहर हो जाएगा अब हमें इस करेले को अच्छे से पानी से इस तरह से निचोड़ते हुए बाहर करना है हाथों की सहायता से अच्छे से करेले के जो पानी है उसे हम अच्छे से निचोड़ के ही बाहर लेना है तो आप इस तरह से इसे अच्छे से निचोड़ ले करेले को हमारा करेला बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए और इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा अब हम एक पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल तो मैंने यहाँ दो से तीन चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच खरा जीरा साथ में इसमें हम ऐड करेंगे दो साबुत लाल मिर्च दो मीडियम साइज के प्याज जिसे हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है चलाते हुए इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इसे हमें करेले के साथ ही पकाना है तो अब मैं इस स्टेज पर ऐड कर दूंगी करेले को तो हमारा करेला और प्याज एक साथ ही पकने वाला है अब लो टू मीडियम फ्लेम पर करेले और प्याज को हम एक साथ इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे दो से तीन मिनट के लिए दो से तीन मिनट के बाद करेले और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है अच्छे से भून चुकी है तो अब हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे नींबू का रस तो मैंने यहाँ पे आधे नींबू का रस का इस्तेमाल किया है नींबू को भी अब हम करेले में अच्छे से मिला लेंगे चलाते हुए नींबू का इस्तेमाल करने से जो करेले में जो करवापन होता है वो ख़त्म हो जाता है तो अभी हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है अभी हम इसे ढक कर दो से तीन मिनट के लिए कुक करेंगे जिससे करेले नींबू को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और जो करवापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी दो से तीन मिनट के बाद करेला हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है और जो करेले में है एक अच्छी गोल्डन कलर आ चुकी है अब हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है बस इससे अच्छा कलर आता है सब्जियों में और मिला लेंगे अच्छे से इसे अब इसमें हम हल्दी डाल के इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिला लेते हैं अब मैं यह इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी शुगर का अगर आपको ये पसंद ना हो तो बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसे स्किप कर सकते हैं और शुगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों के साथ वापस से करेले को ढककर हम चार से पाँच मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे ढक्कन को हटा लेते हैं और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पक चुकी है अब हमें इस करेले को मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाना है तो अब हमने इसे तीन से चार मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लिया है जिससे कि जो करेले में है एक अच्छी सी क्रंची सी सरफेस डेवलप हो गई है करेले की सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए तो आप एक बार करेले की सब्जी को इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन पे शेयर करें रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर